अब ये आ गया हमारा कॉफी। ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है बिल्कुल। हाँ तो भैया वेलकम बैक टू आवर चैनल, मैं हूँ राज, कैमरे के पीछे है तुषांत। और यार ये हमारा ब्रांड न्यू सीरीज़ है जिसका नाम है बेस्ट ऑफ भिलाई। इस सीरीज़ में होगा ये कि हम लोग जो भी यहाँ का फेमस जगह है ना उसका बेस्ट बेस्ट चीज़ आपको बताएंगे खाने के रिलेटेड, ठीक है। तो हमारा आज का ये पहला एपिसोड है और इस पहले एपिसोड में हम लोग आए हैं सिविक सेंटर में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ का जो जो भी मतलब मस्ट हैव चीज़ है ना वो चीज़ हम आप लोग को आज दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, ये जो दिख रहा ना पीछे ये है हमारा रथ पार्क, और इस प्लेस से अच्छा प्लेस मेरे को नहीं लगता कि कोई होगा वीडियो स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं रथ पार्क से, ठीक है भैया चलो। हाँ तो यार हमारा पहला लोकेशन है नन्हे कॉफ़ी, ये देख लो, नन्हे के पास ही हूँ मैं। और भिलाई के बेस्ट चीज़ों के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ और इससे स्टार्ट ना करूँ तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कॉफ़ी, ये पूरे भिलाई में सबसे ज़्यादा फेमस कॉफ़ी है, ये देख लो, ठीक है। और अभी क्योंकि कोरोना पीरियड चल रहा है इस वजह से ये प्लास्टिक डिस्पोजल में मिला है, नहीं तो बढ़िया से ग्लास में मिलता है, ठीक है। और क्योंकि अभी गर्म है तब तक थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मैं वैसे तो चाय पर्सन हूँ पर यहाँ का कॉफ़ी ज़्यादा फेमस है एज़ कम्पेयर चाय, ठीक है। तो इसलिए हम लोग चाय लिए, तो चलो अब पी लिया जाए। मुंह थोड़ा सा जल गया मेरा क्योंकि मेरे को ना गरम गरम पीने की आदत नहीं है, वीडियो के चक्कर में मैं पी गया, ठीक है। अच्छा मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताओ कि आप लोग को चाय ज़्यादा पसंद है कि कॉफ़ी, सुबह आप उठ के चाय पीना पसंद करते हो कि कॉफ़ी, या फिर दोनों नहीं, ठीक है, मेरे को कमेंट सेक्शन में अभी बता दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्लेस में। हाँ तो जी हमारा आज का सेकेंड लोकेशन है एमपी स्वीट्स, ये यहाँ का एकमात्र मेरे ख्याल से एकमात्र स्वीट शॉप है। और यहाँ का समोसा और एक और डिश बहुत फेमस है वो मैं आपको लोग को आके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो मैं लेके आता हूँ, आप लोग यहीं रहो। हाँ तो जी फाइनली सेकंड अटैम्प में हम लोग को मिल चुका है हमारा समोसा और कचौड़ी। समोसा नहीं मिल रहा था, गर्मा गर्म निकला है, बहुत गर्म है अभी, तो चलो खाते हैं फटाक से। ये है हमारा समोसा, पहले तो रख लेते हैं। चटनी भी है यार साथ में नीचे और मिर्ची भी है, तो आप लोग बताओ कैसा पसंद है आप लोगों को, चटनी में कि मिर्ची में, ये देख लो। यहाँ का मसाला बाकी जगहों से अलग होता है इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे समोसा स्पेशल मिलता है। पता नहीं कैसे स्मैश किए रहते हैं, फ्राई किए रहते हैं कि नहीं किए रहते, लेकिन बहुत अच्छा रहता है यहाँ का मसाला। तो चलो थोड़ा सा ले ली चटनी, ये तीखा चटनी नहीं है, ये मीठा चटनी है मिक्स्ड वाला। ताबड़तोड़ यहाँ का मसाले का बात ही अलग है यार, बाकी सब जगह का समोसा भी अच्छा होता है बट ये अलग होता है। हेलो नहीं खाना था। होशियारी में तीखा खा लिया मिर्ची, अच्छा तीखा था। चलो अब ये है हमारा कचौड़ी जो कि देख के तो बढ़िया लग रहा है, अब इसको तोड़ते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर का स्टफिंग। ओए होए ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है भी लग रहा है क्या है भी है, अंदर में अच्छे से स्टफिंग भरा हुआ है।
एकदम थोड़ा सा नाम भरा है वाला नहीं भरा है, तो चलो खाते हैं इसको भी अब। करारा, क्रिस्पी और जो भी होता है क्रंची वगैरह सब चीज़ आई है। स्टफिंग का एक बढ़िया सा स्वाद आ रहा है मस्त। हाथ पूरा मेरा मैश हो चुका है लेकिन टेस्ट बढ़िया, मज़ा आ गया। ये सब हम लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि टेस्ट बढ़िया है, ठीक है जी। हाँ तो हम लोग खाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट प्लेस में, ठीक है। हाँ तो जी, हमारा नेक्स्ट लोकेशन है ग्रिल इन, तो चलो अंदर चलते हैं। यहाँ का बर्गर अच्छा लगता है, मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, वो भी कर चुका है, वही असल में सजेस्ट किया है। तो चलो बर्गर खाते हैं, अंदर चलते हैं। चलो खाते हैं इसको। हाँ तो यार, अगर मैं बर्गर की टेस्ट की बात करूँ ना, तो टेस्ट बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छा था, क्योंकि स्टफिंग्स जो थे ना अंदर में, टिक्की मस्त क्रंची टिक्की था, म्योनीस का अच्छा थिक, मतलब थिक बोलना चाहिए, बहुत सारा म्योनीस था, सॉस था अच्छा, और साथ में एक पुड़िया भी दिया था, पाउच दिया था सॉस का, तो बढ़िया था, ओवरऑल टेस्ट बहुत बढ़िया था। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पे अपने, ठीक है चलो। हाँ तो जी, सीसी आए हैं और बेस्ट बना रहे हैं, और हरिराज का नाले ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो हरिराज है हमारा नेक्स्ट स्टॉप, और यहाँ से हम लोग खाएंगे छोले भटूरे और मसाला डोसा, जो कि पूरे भिलाई में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो चलो अंदर चलते हैं। बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ यहाँ पे मैं, लॉकडाउन के पहले आया था लास्ट टाइम, और उसके बाद अभी आ रहा हूँ मैं, मतलब सोच रहे हो 8 महीने बाद हरिराज में, डायरेक्ट 8 महीने बाद, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ से छोले भटूरे और डोसा खाता हूँ, मतलब ये फेवरेट चीज़ है मेरा यहाँ का, छोले भटूरे और डोसा। चलो अब ज़्यादा बकवास ना करते, अंदर चलते हैं। चलो तो यार, ये लग चुका है हमारा मसाला डोसा, ये देख लो, ये रहा नारियल चटनी, देख लो बहुत बढ़िया लग रहा है ये, और ये रहा मेरा फेवरेट सांभर, बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा ये, और ये आ गया हमारा छोले भटूरे भी, ये देख लो यार क्या फुला फुला भटूरे है, इसको मेरे को फोड़ने का एक्साइटमेंट हो रहा है अब मेरा फेवरेट चीज़ है ये फोड़ना, और ये देख लो छोले, ये बेस्ट चीज़ है यहाँ का, बहुत बढ़िया खुशबू आ रहा है इसमें से, अब इंतज़ार नहीं हो रहा, जल्दी से अब टूट पड़ते हैं हम इस हमारे भटूरे में। हाँ तो जी, ये लग चुका है हमारा छोले भटूरे, और साइड में डोसा भी है, बट हम चालू कर रहे हैं छोले भटूरे से, चलो फिर आ जाओ। और ये देख लो, ये मेरा फेवरेट चीज़ है करने को, जो फुला रहता है ना उसको फोड़ना, ओए होए 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 होए। ये आया हमारा, ये देख लो छोले, और यार ये बेस्ट है भिलाई का, मैं बोलूँ तो इससे बेहतर कहीं और नहीं मिलता आपको, ना मिलेगा कहीं। ज़बरदस्त, ये मैं कब से खा रहा हूँ ना मुझे भी याद नहीं, मतलब हम लोग बचपन से खा रहे हैं ये चीज़ यहाँ पे। अभी तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुका है, पहले इसका प्राइस कम था, लॉकडाउन के बाद मैं अभी आ रहा हूँ, लॉकडाउन के पहले इसका प्राइस 120 था, अभी 130 हो चुका है, डोसा का प्राइस भी बढ़ चुका है, ठीक है कुछ नहीं कर सकते उस पर। ये भिलाई का बेस्ट छोले भटूरे हैं, अगर वैसे तो अगर भिलाई की हो तो ये तो खा ही होगे छोले भटूरे और डोसा, अगर नहीं खाए हो, इफ़ एनी, 1% चांस होगा अगर नहीं खाए हो, तो यार डेफिनेटली आप लोग आओ, अब बिल्कुल आओ, नहीं आओगे तो बहुत बड़ा चीज़ मिस करोगे आप लोग, ठीक है। चलो अब जल्दी से खाते हैं डोसा। हाँ तो जी, अब खाएंगे हम लोग मसाला डोसा, ये बहुत ज़्यादा फेमस है भिलाई में, आप लोग ज़रूर खाए होगे इसको, मतलब खाए ही होगे यार, बहुत कम चांस है कि आप लोग ये ना खाए हो, ठीक है। तो चलो आ जाओ खाते हैं इसको। अब पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं स्टफिंग, ये देख लो, अबे
ये देख लो, ये है आलू। ओहो, लॉकडाउन के बाद खा रहा हूँ इसको मैं, करीब करीब 8 महीने बाद। बहुत ज़बरदस्त यार ये ना, स्पेशली मान के चलो, क्योंकि बाकी जगह का डोसा एक तरफ होता है, हरिराज का डोसा एक तरफ होता है, डोसा और छोले भटूरे। ज़बरदस्त। यहाँ का सांभर का सबसे खासियत बताऊँ मैं, खा लेता हूँ फिर बताऊँगा। मैं पर्सनली बताऊं, इस सांभर को मैं खाने के तौर पे मैं पी सकता हूँ। मतलब मेरे को कुछ मत दो, एक कटोरा सांभर दे दो, मैं इसी में खुश रहूँगा। मेरे को ये इतना पसंद है। यहाँ के जैसा सांभर कहीं और नहीं बनता यार। बहुत टेस्टी। हो, हरिराज का छोले भटूरे 8 महीने बाद, बहुत बड़ी बात है। एक आप फूडी हो, भिलाई से हो, और हरिराज का छोले भटूरे आपको बहुत टाइम से खाने नहीं मिला है, तो मतलब सोचो वो तड़प, सोचो। मेरे को ये बताओ कि अभी आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे हो, उस टाइम पे प्याज का रेट क्या चल रहा है बताऊँ? वैसे प्याज से ज़्यादा तो महंगा तो अभी आलू हो गया है, फिर भी कमेंट सेक्शन बताओ कि क्या रेट चल रहा है अभी। और एक और चीज़ बताओ मेरे को कि आप लोग को हरिराज का छोले भटूरे ज़्यादा पसंद है कि डोसा ज़्यादा पसंद है, मेरे को कमेंट सेक्शन बताओ तुरंत जल्दी से। चलो अब खाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेस में। हाँ तो जी, हमारा जो आज का लास्ट प्लेस है वो है फेमस चाचा कुल्फ़ी। यहाँ का कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, मैंने एक बार भी ट्राई नहीं किया अभी तक, तो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम ही रहेगा, बट नाम बहुत सुना मैं यहाँ का। तो चलो फिर कुल्फ़ी ट्राई करते हैं। हम लोग ऑर्डर किए हैं रबड़ी कुल्फ़ी विथ फालूदा, तो बन रहा है अभी, तो फिर खाते हैं आने पे। तो ये है हमारा रबड़ी कुल्फ़ी, यहाँ का फेमस, फालूदा के साथ। चिल्ड, मज़ेदार, बहुत फ्रेश, बहुत बढ़िया कुल्फ़ी। तो वैसे मैं खाने का मेरा प्लान नहीं था, पर फिर भी खा लिए हम लोग, क्योंकि जब से कोरोना वाला टाइम चल रहा ना, तब से कोई भी ठंडा चीज़ नहीं खाया मैं, इस डर से कि सर्दी ना हो जाए। तो या इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, देखने के लिए थैंक यू सो मच। हम लोग खा रहे हैं अपना कुल्फ़ी, और आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आज के पूरे डिशेस में से सबसे अच्छा कौन सा लगा, और आप लोग कौन से प्लेस में आए हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से, ठीक है जी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है, और लाइक तो करना ही, कमेंट तो करोगी, और वीडियो को फैला दो पूरा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, सी यू सून। ओहो, चालू है क्या? अरे बनकर यार।